नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस ग्रुप के एक बहुत ही तगड़े शेयर के बारे में जिसका नाम है रिलायंस पावर। हाल फिलहाल में इस शेयर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है, लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिले हैं, जिसका सीधा सीधा रीजन इसमें जुड़ी जो खबरें आती रहती हैं, फंड रेजिंग से जो रिलेटेड जो खबरें आती हैं और जो कर्जे से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं कि ये कब अपने कर्जा चुकाने वाले हैं, ये तो उसकी वजह से इसमें अच्छी खासी देखने को तेजी देखने को मिली है। उसके अलावा जो इस टाइम पावर का जो बूम चल रहा है इसको भली भांति समझते हुए अनिल अंबानी जी इस कंपनी में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं इस बात को कि अगर ये कंपनी उनके कर्जे से निकल जाती है और प्रॉफिट में आ जाती है तो ये फिर इनकी सारी जो ग्रुप की कंपनी है उसको आराम से कर्जे से निकाल लेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। इस बात को अनिल अंबानी जी बिल्कुल पूरी तरीके से समझते हैं और इस पे इनको पूरा भरोसा किया जा रहा है, इनकी कंपनी पर लोग भी इनपे पूरा भरोसा कर रहे हैं इस कंपनी में रिलायंस पावर पे। अभी जो मैंने पिछली वीडियो आपकी बनाई थी रिलायंस पावर पे, तो आप इसमें आगे देख सकते हैं कि इसमें यह बात की गई थी कि रिलायंस इंफ्रा जो है इनकी कंपनी इसी ग्रुप की, वो इनके इक्विटी इनके शेयर है 325 करोड़ के आसपास के, वो इनके शेयर इक्विटी ग्रुप में लेंगे, जिससे क्या होगा जो पैसा इससे मिलेगा रिलायंस पावर को वो क्या करेंगे अपने कर्जे चुका देंगे, कितने करोड़ के 325 करोड़ रुपए के। तो ये बहुत बड़ी खबर आई थी जिसके बाद से इसमें फिर से दोबारा तेजी देखने को मिली थी और इसमें तगड़ी तेजी अभी भी देखने को मिल रही है और समय समय पर जो खबरें आ रही है इसकी वजह से इसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिले हैं, लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं, लोग पागल है इस शेयर को खरीदने के लिए लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा ये लोग भरोसा कर रहे हैं और भरोसा करने लायक भी है कंपनी, क्योंकि इसका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जैसा कि अभी ये परफॉर्म कर रही है। हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, इससे जुड़ी एक खबर आ रही है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके साथ साथ इसके फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही इसकी आगे के क्या टारगेट होने चाहिए क्या लेवल्स होने चाहिए सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे गूगल फाइनेंस के चार्ट पर, आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे कि 5% का इसमें आज फिर अपर सर्किट देखने को मिला है, बीच में लगभग 11 बजे के आसपास इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिला था 10 से 11 के बीच में, तो फिर इसमें दोबारा से अपर सर्किट देखने को मिला है, लोग फिर से इसमें बाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके आप रिटर्न देखें अगर वीकली बेस पे तो वीकली बेस पे इसने लगभग 21% के आसपास रिटर्न दिए हैं, 2.72 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिली है। मंथली बेसिस पे तो आप देख के दंग रह जाएंगे, इसमें 126% की तेजी देखने को मिली है जो कि 8.85 रुपए के आसपास की है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो हीरो से जीरो बनने का सफर जो है इनका चालू हो चुका है, ये बिल्कुल नीचे गिर चुके थे अब फिर से इन्होंने दोबारा ऊपर की ओर चढ़ाई चालू कर दी है, बिल्कुल खड़ा बढ़ने की ओर ये चल रहा है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये इसमें खबर क्या आ रही है, खबर आप सबको दिखाते हैं बिजनेस लाइन की साइट पर, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर पावर इन टॉक विद इन्वेस्टर टू पेयर एक्सटर्नल डेट बाई 79% टू 300 करोड़ रुपए। इन्होंने ये बात की कि जो इनके इन्वेस्टर हैं तो इनके कर्जों को कितना कम कर दें, 80% कम कर दें, क्योंकि इससे इनका कर्जा कितना हो जाए 300 करोड़ रुपए, इस बात की बात चल रही है किसमें आर पावर में। तो इसमें आप आगे पढ़े खबर को लिखा हुआ है इन्वेस्टर विल आइदर टेक ओवर द डेट फॉर एन इक्विटी और री फाइनेंस द सेम एट लोअर रेट, या तो क्या करें इनके जो डेप्थ है उसको इक्विटी रूप में ले लें या फिर क्या करें इनके जो कर्जा है उसको क्या करें रीफाइनेंस कर दें लोअर रेट पर। अगर हम इसको आगे पढ़ें तो क्या है कंटिन्यूइंग इट्स एफर्ट टू रिड्यूस डेप्थ अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप रिलायंस पावर हैज इनिशिएटेड टॉक विद क्लच ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर टू रिड्यूस इट्स एक्सटर्नल डेट बाई 79% टू 300 करोड़ फ्रॉम 1400 करोड़ रुपए। इस पे भी कर्जा कितना 1400 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि इनका कर्जा जो है 80% तक कम कर दिया जाए, जिससे जो कि कितना पहुंच जाएगा 300 करोड़ रुपए बचेगा फिर फिलहाल। तो इन्होंने ये बात कही है, अगर ये बात इनकी मान लेते हैं वो लोग फिर तो ये तो फिर रॉकेट बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता, फिर तो ये फिर बहुत ऊपर जाने वाला है। और इसकी अगर हम आगे बात करें तो क्या उन्होंने बोला है द कंपनी इज क्लोजली इंगेज विद लेंडर्स एंड पोटेंशियल इंटरनेशनल इन्वेस्टर हु विल आइदर टेक ओवर द डेट फॉर एन इक्विटी और रीफाइनेंस द डेट एट लोअर रेट। मतलब कि क्या करेंगे, तो ये तो अपने जो फाइनेंस कराएंगे दोबारा से लोअर रेट पर, या क्या करेंगे अपने शेयर को इक्विटी ग्रुप में दे देंगे और उससे क्या होगा इनको जो पैसा मिलेगा उससे अपने कर्जे को चुका देंगे और उनका कर्जा भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, कंपनी को बहुत राहत देखने को मिलेगी। अगर ये बात करें तो द डिसीजन ऑफ द प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेन रिलायंस पावर बैलेंस शीट बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स इक्विटी, मैंने आपको बताया था कि अभी इनकी जो कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने इनके शेयर इक्विटी के रूप में लिए थे और आगे बात करें टू इट्स इक्विटी ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस हैज बूस्टेड इंटरनेशनल इन्वेस्टर, तो इसने क्या किया कर्जे कम हो गए इसकी वजह से इन्होंने इंफ्रा ने इनके शेयर को लिया, तो क्या है लोगों को भरोसा आया कि हाँ अब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ चलिए अगर हम ऐसा करते हैं, इनके इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा कर्जा कम कर दिया जाए तो हो सकता है ये कंपनी हमारे को और ज्यादा प्रॉफिट कर सकती है आगे भविष्य में। तो और क्या बात की इन्होंने द कंपनी ऑल्सो लुकिंग टू मोनेटाइज इट्स विंड एसेट टू पेयर एक्सटर्नल डेट बाई 200 करोड़ रुपए, अपने जो विंड जो इनको मोनेटाइज करना है अपने विंड के एसेट्स को उसके कर्जे को कितना 200 करोड़ के मतलब
लगभग लाने की बात की गई है इनको। द कंपनी हैज अ 45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट एट शांगली इन महाराष्ट्र। अभी फिलहाल में इनको एक प्रोजेक्ट मिला था शांगली में महाराष्ट्र में 45 मेगावाट का। दिस विल ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट कॉस्ट बाई 280 करोड़ पर एनम। ये क्या करेगा, जो उनकी कॉस्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट कितने कम कर देगी, 280 करोड़ पर। बहुत बड़ा अमाउंट है इस कंपनी के लिहाज से, इसको कम कर देगी हर साल। तो कंपनी हैज बीन अ डेप्थ रिडक्शन ड्राइव फॉर लास्ट फ्यू मंथ, बहुत ज्यादा कर्जा कम हुआ है। इट्स डेप्थ हैज रिड्यूस 15% टू 20,625 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च। मार्च में फाइनेंशियल खर्च खत्म हुआ, उसमें इनका कर्जा कितना पहुंच गया है 20,625 करोड़, जो कि लास्ट ईयर कितना था 24,214 करोड़। तो लगभग लगभग 4,000 करोड़ के आसपास इन्होंने कर्जा इस साल चुका लिया है। तो रिलायंस पावर हैज सेट टारगेट टू कट कंसोलिडेटेड डेब्ट बाय 32 करोड़ रुपए इस ईयर में। कितना, 32 करोड़ रुपए का इनका मतलब उन्होंने अपना टारगेट बनाया है। और जो कि इक्विटी रेशियो कितना होगा, 1.80:1। और अभी क्या चल रहा है इनका इक्विटी रेशियो, सॉरी माफ कीजिएगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.08 चल रहा है फाइनल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, अगेंस्ट 2.41:1 इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में। कितना था इनका, 2.41:1 था, अभी कितना हो गया 2.08। तो कंपनी का आप खुद अंदाजा ला सकते हैं कि कंपनी कितना था अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा लास्ट ईयर में कितना बदलाव आया है इस कंपनी में, कितना अच्छा ग्रो किया है और कितने अपने कर्जों को कम कर लिया और आगे कितना अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। अगर हम चल के देखें कि कंपनी का क्या फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है कंपनी, तो चलिए हम चल के देखते हैं कंपनी के थोड़ा सा टिकट टेप साइड पर। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी पावर जनरेशन से रिलेटेड है, स्मॉल कैप कंपनी है, 4,446 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। पीई रेशियो देखें तो इसका पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, पहले इसका बहुत कम हुआ करता था, अभी 19.45 है, जो कि सेक्टर के पीई से कम है। कंपनी क्योंकि लॉस में हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे कंपनी उभर रही है लॉस से। पीवी रेशियो देखिए तो इसका 0.34 का है, और जो कि सेक्टर के पीवी से 2.56 जो सेक्टर का पीवी उससे कम है। कोई बात नहीं, कंपनी अपने एसेट्स को जैसे ग्रो करेगी एसेट्स भी बढ़ा लेगी, और पीवी रेशियो भी इसका बहुत जल्दी ऊपर देखने को मिलेगा। डिविडेंड का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ चल के देखें तो आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर से देखें तो कितना प्रॉफिट 38.10 का इसमें लॉस हुआ करता था, अभी देखें तो सीधे 105% का इसमें प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिला है, और रेवेन्यू भी इसका पहले के मुकाबले बढ़ गया। तो कंपनी का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितना अच्छा अपने आप को संभाला है, मैनेजमेंट ने कितना अच्छा फोकस किया अपने काम पर, और इनके जो अंबानी जी है कितना अच्छा उन्होंने काम किया इस कंपनी में, कितने फोकस किया। अगर इसके फाइनेंशियल ईयर के बेस पे देखें कि कितना फाइनेंशियल इसने ग्रो किया है, तो आप खुद देखें रेवेन्यू इनका लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग लगभग 200 करोड़ के आसपास बढ़ गया है, और नेट इनकम भी देखें तो नेट इनकम अब देख खुद दंग रह जाएंगे, माइनस में हुआ करती थी -4,000, कहां माइनस का 4,000, और अब देखें ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है 228 करोड़ के आसपास। अर्निंग पर शेयर माइनस का 14 हुआ करती थी, -14.53, अभी देखिए 0.82 की कितना ज्यादा फर्क आया लास्ट ईयर इस ईयर में। इसलिए लोग इसमें भर भर के पैसा लगा रहे हैं, लोगों को आप यही सोचे कि लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है पैसा लगाने का इसमें, लोगों को इतना भरोसा आ गया इस कंपनी पे। प्रमोटर होल्डिंग अगर चल के देखें तो होल्डिंग की बात करें तो इसकी होल्डिंग जो है प्रमोटर 9.06 की है, जो कि 1.62% जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है लोगों के दूसरे लोगों के पास में। म्यूचुअल फंड की इसमें 0.15% की बात होल्डिंग है, और DIA की होल्डिंग जो है वो 4.10% के पास होल्डिंग है, और FII की जो है 2.15% होल्डिंग है FII के पास में। और जो ज्यादातर होल्डिंग है वो किसके पास है, अपने ट्रेलर्स के पास में है, छोटे लोगों के पास में है, मतलब जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ी अच्छे खासे लोगों के पास होल्डिंग अच्छी खासी है। लोगों ने भरोसा बना के रखा है इस कंपनी पे, बड़े लोग भी इसमें पैसा भर भर के लगा रहे हैं और छोटे लोग भी इसमें पैसा भर भर के लगा रहे हैं, और प्रमोटर को तो अपने कंपनी पे भरोसा धीमे धीमे आ रहा है। अगर हम चार्ट पे चल के देखें कंपनी का क्या हालचाल चल रहा है, क्या इसके टारगेट होने चाहिए, और क्या इस कंपनी कितनी ज्यादा ऊपर जा सकती है, हम चल के देखते हैं। अभी जो है इसका जो प्राइस चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था 15.85 के आसपास का अपर सर्किस में देखने को मिल रहा है। इसका अगर RSI थोड़ा गौर से देखें, थोड़ा सा हमें सतर्क करता है इस बारे में कि इसमें आपको मौका आने वाला है किसके लिए, बाइंग करने के लिए। अगर अभी आप बाइंग नहीं कर पाए, आपका मौका हाथ से निकल गया है, बस निकल गया आपकी, कोई बात नहीं, आपको बस का आने का इंतजार करना है, उसको थोड़ा सा भागना नहीं है बस के पीछे, थोड़ा सा क्या करना है इंतजार करना है, क्योंकि बस दोबारा से मिलने वाली है आपको। मेरा कहने का मतलब है आपको दोबारा मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी ही। इसमें हल्का सा करेक्शन मिलने देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं, छोटा सा करेक्शन आएगा, आपको मौका मिलेगा बाइंग करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके, जबकि फ्रेश बाइंग पोजीशन अगर बना नहीं पाए आप, तो बैंक आपकी जो बाइंग पोजीशन होगी लगभग होगी करीब करीब मैं आपको बताऊंगी 14.30 के आसपास का लेवल आपका बाइंग के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और दूसरा जो लेवल रहेगा वो रहेगा लगभग लगभग आपका यहां तक आ पाता है 13 रुपए के आसपास का। ये दो लेवल बहुत क्रूशियल होने वाले हैं अगर ये इतना ज्यादा करेक्शन लेता है, करेक्शन तो इसमें थोड़ा बहुत आएगा ही, ये तो बात कोई शक्की नहीं है। ये लेवल एक और एक ये लेवल, दो लेवल ये हैं, अगर यहां तक करेक्शन लेता है तो आप इस पे आके अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। अगर आप यहां पे पोजीशन बनाते हैं तो ये टारगेट बहुत ऊपर है इसके,
मैं अगर आपका टारगेट अगर आप यहाँ से नीचे से खेल रहे हैं इसमें नीचे से अगर आप लिए हुए हैं इसमें पोजीशन आप तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपके लिए कितने टारगेट होने चाहिए? टारगेट जो रहेंगे आपके रहेंगे लगभग लगभग ₹21 का। ये टारगेट अभी थोड़ा दूर दिखाई देता है हमें लेकिन कंपनी की ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखाई देंगे, ये कोई शक की बात नहीं है। इसमें ये पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है जैसे इसमें फंडिंग आ रही है और जैसे जैसे अपनी कंपनी अपने कर्जे को चुका रही है तो ये टारगेट इसके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में आप थोड़ा सा ज्यादा अवॉइड ही करें अभी फिलहाल के लिए, जैसे कंपनी थोड़ा अपना और ज्यादा प्रॉफिट में जाए फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अगर कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई और उसने अपने कंपनी को बाहर निकाल लिया फिर ये कंपनी नहीं रुकने वाली, फिर ये सीधे ऊपर पहुंचेगी, सीधे इसके जो टारगेट पहले हुआ करते थे उस पे ही जाएगी। अभी तो इसका जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है सबसे बेहतरीन टारगेट जो दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल में वो मुझे ₹21 का ही दिखाई दे रहा है। तो आप इस पे ₹21 का टारगेट आपका रख सकते हैं फिलहाल के लिए। और फ्रेश पोजीशन के लिए मैंने आपको बता दिया फ्रेश पोजीशन आपकी रहेगी लगभग लगभग 14.30 से लेकर ₹13 की रेंज में, मतलब ₹1.50 की रेंज रहेगी लगभग इसके अगर गिरता है तो, थोड़ा सा करेक्शन गिरने के मतलब मैं बोलूँ करेक्शन लेता है तो बिल्कुल गिरने वैसा नहीं कि जाके बिल्कुल लोअर से खा जाएगा 3-4 दिन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा करेक्शन लेगा फिर से बढ़ना थोड़ा चालू होगा फिर बढ़ेगा फिर ये मुड़के नहीं देखेगा फिर ये ऊपर ही जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों हमारा यहीं तक था वीडियो, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये आपका मैंने टारगेट दिखाई 14.56 के आसपास का ये फ्रेश पोजीशन, और ये दूसरी आपकी पोजीशन मैं लगाता हूँ उसमें ये मैंने लगा दिया 13.20 के आसपास की। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा लगाइए और खूब सारा रुपया कमाइए, यही मेरी कामना है, और बिल्कुल लॉस मत खाइए। यहीं तक था वीडियो हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।